नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। आज का ये व्लॉग खनलेरा गांव का है, जो कि अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ गांव है, मेहनती किसानों का गांव खनलेरा। आइए देखते हैं आज के अपने इस व्लॉग में खनलेरा गांव के बारे में। कीड़ी से लगभग 1 किलोमीटर पहले खनलेरा गांव जो है वो एक प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर गांव है। इसके ठीक ऊपर पहाड़ियां हैं और उसके ऊपर कुछ पेड़ भी हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहां से चारों ओर अगर देखा जाए तो ये मेन सड़क के साथ जुड़ा हुआ गांव है। इससे आगे जो है वो रोड कीड़ी को जाती है और इसके ठीक नीचे एक नाला भी बह रहा है और इसके हरे भरे खेत जो हैं वो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। गांव के ठीक नीचे बहता हुआ ये निर्मल जल इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। अगर खनलेरा गांव में सामने की तरफ से आना हो तो ये छोटी सी पुली जो है वो रास्ते में पड़ती है। खनलेरा गांव के एक किसान ने गोबर जो है वो इस तरह से जो है वो बारीक कर दिया है और कुछ जो है वो छोटे छोटे बैग्स में भरकर रख दिया है। इसको ये अपने खेतों में डालेंगे और ज़मीन को अगली फसल के लिए तैयार करेंगे। खनलेरा गांव के नवयुवकों ने होली दहन के लिए गांव से कुछ ही दूरी पर यहां पर ये इस तरह से कुछ इंतज़ाम किया है। किसानों के आटा पीसने के ये साधन खनलेरा गांव के ये घाट। खनलेरा गांव में पेयजल योजना की एक पाइप जो है वो यहाँ बिछी हुई है। खनलेरा गांव के एक किसान ने अपना घास जो है वो बहुत ही डिसिप्लिन से लगा रखा है। जहाँ खनलेरा गांव के किसानों ने अपनी मेहनत के दम पर आधुनिक शैली के घर बनाए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है और वो बहुत सुंदर भी दिखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसको संजोए रखा है। जो पुराने घर हैं उनको वैसे ही रहने दिया गया है, जिनको हम अपनी चिंबियाली भाषा में भोड़ कहते हैं। ये देवदार से निर्मित पुरातन शैली के मकान जो हैं ये इन नई शैली के बने हुए मकानों के साथ इस गांव में स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी गांव में एक और देवदार की लकड़ी से बना हुआ पुरातन शैली का ये घर और उसके साथ ये किसान की एक गौशाला जो कि अपनी संस्कृति को दर्शाती है। ये जो मॉडल है, ये जो डिज़ाइन है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। लेकिन अब ये गांव से तकरीबन गायब होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यदा कदा किसी किसी गांव में ये समृद्ध संस्कृति दिखाई देती है। मेरा नाम धुनी चंद, गांव खनलेरा का रहने वाला हूं मैं। हमारे गांव के आदमी जो पहले वाले हैं खेती बाड़ी करते हैं सभी, और जिम्मेदारी और बैल बकरियां भेड़ सब कुछ हमारा यही पालन पोषण है गांव वाले का। तो हमारी ज़िंदगी भी ठीक है, हम पहाड़ में रहते हैं और ठंडी हवा ठंडा पानी वातावरण हमारा अच्छा बहुत बिल्कुल क्लियर है, प्रदूषण नहीं है कुछ नहीं है, बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी बीतती है गांव में। हेलो, मेरा नाम ईशान है और ये मेरे नानू का घर है और ये गांव बड़ा अच्छा है और मेरे को स्कूल में छुट्टियां पड़ी है, तब तक मैं यहाँ पर रहूँगा, जैसे छुट्टियाँ ख़त्म होंगी मैं चल जाऊँगा। ये गाँव बड़ा अच्छा है और इधर के सारे लोग ईमानदार हैं। खनलेरा गांव में एक किसान के मवेशी इसमें जो हैं वो धूप सेकते हुए। किसानों का ये गांव अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ गांव। ये एक पूरा
व्यू है इस गांव का। खनलेरा गांव की बैक साइड का ये व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू। खनलेरा गांव में एक किसान का ये मकान और उनकी गौशाला और एक गाय जो है वो किसान ने यहाँ पर बांध रखी है। ये बहुत ही हेल्दी है और इसकी नस्ल जो है वो भी जर्सी टाइप लग रही है। किसानों का ये गांव अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ गांव। एक किसान के घर में जो है मधुमक्खियों ने अपने ढेरे लगा रखे हैं, अपने घरों में ये शहद देती हैं। किसानों की आजीविका का एक साधन ये भी है। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।